दोस्तों स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो हमारे भारत के अंदर क्रिकेट से ज़्यादा दूसरे किसी भी खेल को पसंद नहीं किया जाता है, और कुछ फैंस तो क्रिकेटर्स के इतने दीवाने होते हैं कि इन्हें भगवान की तरह पूजने लगते हैं। और यही वजह है कि हमारे देश में सभी बड़े क्रिकेटर्स को एक सुपरस्टार का दर्जा मिला हुआ है। वैसे आपको तो यह बात पता ही होगा कि खिलाड़ी स्टार बनने के इस मुकाम तक रातों रात नहीं पहुँचते, क्योंकि असल में यह उनकी पूरी ज़िंदगी की कड़ी मेहनत का फल होता है। और उनकी इसी मेहनत के सम्मान में कुछ गिने चुने खिलाड़ियों को सरकार भी अलग अलग सरकारी पद देकर सम्मानित करती है। और दोस्तों आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको भारतीय क्रिकेट टीम के 8 ऐसे खिलाड़ियों से मिलवाएंगे जिन्हें कि खेल में दिए गए अहम योगदान के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग गवर्नमेंट पोस्ट से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान ऑलराउंडर कपिल देव को दिए गए सरकारी पद के बारे में। अब यह बात तो हर एक भारतीय क्रिकेट फैन अच्छी तरह से जानता है कि कपिल देव भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान क्रिकेटर्स में से एक माने जाते हैं, क्योंकि कपिल देव ने ही अपनी शानदार कप्तानी और जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस के दम पर साल 1983 में भारत को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया था। और आज भारतीय क्रिकेट टीम कामयाबी की जिन बुलंदियों पर मौजूद है उसका काफ़ी श्रेय कपिल देव जैसे चैंपियन खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। वैसे तो कपिल देव को कई सारे बड़े भारतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन साल 2008 में उन्हें इंडियन आर्मी की तरफ से सम्मान के रूप में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद भी पेश किया गया था, जिसको कि कपिल देव ने एक बड़ा सम्मान और गौरव मानते हुए स्वीकार किया। और इसके साथ ही वह भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर भी बन गए जिन्हें कि इस पद से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों कुछ इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं एक और पूर्व भारतीय क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा को दिए गए सरकारी पद के बारे में। दोस्तों वैसे तो जोगिंदर शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर काफ़ी छोटा रहा था, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वह अपने छोटे से करियर में सिर्फ 4 वनडे और 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेज ही खेल पाए थे। लेकिन दाएं हाथ से मध्यम गति की गेंदबाजी करने वाले जोगिंदर ने अपने इस छोटे से करियर में ही एक ऐसा कारनामा कर दिखाया था कि भारतीय क्रिकेट फैंस उनका नाम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जोगिंदर ने मैच का आखिरी ओवर डाला और पाकिस्तान के कप्तान मिसबाहुल हक को आउट करके उन्होंने भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया था। और उनकी इसी परफॉर्मेंस का ही सम्मान करते हुए हरियाणा पुलिस ने उन्हें अपने डिपार्टमेंट में एक पद ऑफर किया था। और चूंकि जोगिंदर खराब परफॉर्मेंस के चलते लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम में जगह नहीं बना पाए थे, इसीलिए उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहकर इस जॉब को ही अपना लिया था। और आज वह हरियाणा पुलिस में DSP के पद पर कार्य कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेट इतिहास के साथ ही साथ पूरे विश्व क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में शुमार किए जाने वाले सचिन तेंदुलकर को दिए गए सरकारी पद के बारे में। अब दोस्तों यह बात तो भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरे विश्व के क्रिकेट फैंस जानते ही हैं कि सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर और उनके रिकॉर्ड्स कितने विशाल हैं, लेकिन आज हम उनके क्रिकेट रिकॉर्ड्स की नहीं बल्कि उनको सम्मान के रूप में दिए गए सरकारी पद की बात करेंगे। दरअसल साल 2010 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सचिन तेंदुलकर को एयरफोर्स में ही ग्रुप कैप्टन का पद देकर सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साल 2012 में उनका नाम राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जिसके बाद से वह पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए थे जिनका नाम क्रिकेट में सक्रिय होने के बावजूद भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। और दोस्तों सचिन पहले ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्हें कि बिना किसी अनुभव और एविएशन बैकग्राउंड के ही एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन का बड़ा पद दिया गया है। और दोस्तों वीडियो में इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं एक और महान भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को दिए गए गवर्नमेंट सर्विस पोस्ट के बारे में। यह बात तो क्रिकेट को पसंद करने वाला हर एक व्यक्ति जानता ही है कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक जबरदस्त बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक बेहद सफल कप्तान और एक शानदार विकेटकीपर भी थे। दरअसल धोनी ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को एक या दो नहीं बल्कि 3 ICC टूर्नामेंट जिताए थे, जिसमें कि साल 2007 का T20 वर्ल्ड कप, साल 2011 का वर्ल्ड कप और साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। और 2011 का वर्ल्ड कप जिताने के बाद से इंडियन आर्मी के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी को सम्मान के रूप में ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद पेश किया गया था, जिसको धोनी ने अपना सौभाग्य समझकर पूरे गौरव के साथ स्वीकार किया था। वैसे धोनी कई बार इस पद पर कार्य करने की इच्छा भी जता चुके हैं,
जिसके लिए उन्होंने आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग भी पूरी की थी। और इसीलिए हो सकता है कि धोनी अपने आगे के करियर में आर्मी की सेवा करते हुए भी नजर आए। और दोस्तों कुछ इसी तरह से भारत के फिरकी गेंदबाज हरभजन सिंह को भी सम्मान के तौर पर एक सरकारी पद दिया गया है। दरअसल साल 1998 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपना पहला मैच खेलने वाले हरभजन सिंह को भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान स्पिन गेंदबाजों में शुमार किया जाता है, क्योंकि अपनी जबरदस्त ऑफ ब्रेक गेंदबाजी के दम पर उन्होंने बहुत बार भारतीय टीम को मैचेस जितवाए हैं और इसीलिए एक समय पर वह भारतीय क्रिकेट टीम का प्रमुख हिस्सा माने जाते थे। और दोस्तों साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस और भारतीय क्रिकेट को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए पंजाब सरकार के द्वारा डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP का पद ऑफर किया गया, जिसे कि उन्होंने पूरे सम्मान और गौरव के साथ स्वीकार किया। और दोस्तों कुछ इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं एक और भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव को दिए गए सरकारी जॉब के बारे में। दरअसल 1987 में जन्मे उमेश यादव ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 2010 में की थी और कुछ समय पहले तक वह भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी का मुख्य हिस्सा माने जाते थे, लेकिन परफॉर्मेंस में स्थिरता न होने की वजह से उन्हें बार बार टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। वैसे यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रिकेटर बनने से पहले उमेश एक पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते थे, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए थे और इस असफलता के बाद ही उन्होंने क्रिकेट को अपना करियर ऑप्शन चुना था। हालांकि उमेश भले ही पुलिस की नौकरी हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन साल 2017 में स्पोर्ट्स कोटा से उन्हें रिजर्व बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब दी गई थी और यह अपने आप में काफी सम्मान की बात है। और दोस्तों सबसे चहेते भारतीय खिलाड़ियों में से एक युजवेंद्र चहल को भी सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर के पद से सम्मानित किया। दरअसल सन 1990 में हरियाणा के जिंद शहर में जन्मे युजवेंद्र ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 2016 में की थी और तब से ही वह भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग अटैक का प्रमुख हिस्सा बने हुए हैं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनने से पहले चहल को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली थी जब वह साल 2014 में IPL की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम का हिस्सा बने थे और IPL में उनकी जबरदस्त स्पिन गेंदबाजी को देखते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय टीम में भी जगह दी गई थी। और देखा जाए तो चहल का अब तक का क्रिकेट करियर काफी कमाल का रहा है और इसी कमाल की परफॉर्मेंस का ही सम्मान करते हुए साल 2018 में उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब दी गई थी, जिसका खुलासा चहल के पिता ने किया था। और दोस्तों कुछ इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेटर KL राहुल को सम्मान में दी गई सरकारी जॉब के बारे में। दरअसल सन 1992 में कर्नाटक के मैंगलोर शहर में जन्मे लोकेश राहुल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 2014 में की थी और यह बात हर एक भारतीय फैन अच्छी तरह से जानता है कि लोकेश राहुल कितने कमाल के बल्लेबाज हैं, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी का नमूना वह बहुत बार दिखा भी चुके हैं और उनकी इसी कमाल के बल्लेबाजी की वजह से ही उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य माना जाता है। और कुछ समय पहले उमेश यादव की तरह ही लोकेश राहुल को भी रिजर्व बैंक के द्वारा जॉब दी गई थी, जिसमें कि उन्हें असिस्टेंट मैनेजर का पद ऑफर किया गया। और यही वजह है कि KL राहुल और उमेश यादव RBI के लिए विज्ञापन करते हुए भी नजर आते हैं। तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे भारतीय खिलाड़ी जिन्हें की सम्मान के तौर पर गवर्नमेंट जॉब से सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं क्रिकेटर्स के जर्सी नंबर के पीछे का राज, तो फिर डिस्क्रिप्शन या फिर पिंड कमेंट से जाकर वीडियो देखिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।